तो गाइस यार बचपन के अंदर जब भी ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता था तो हम लोग उसके पीछे पीछे भागते थे। साथ ही साथ हम में से कुछ लोग तो उस पे भाटे भी मारते थे। और साथ ही साथ बचपन से ही मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी यार कि कभी ना कभी लाइफ के अंदर कभी ना कभी अपन हेलीकॉप्टर को पास से देखें, ये देखें कि भाई ये कितना बड़ा होता है, अंदर से किस तरीके का दिखाई देता है, साथ ही साथ ये किस तरीके से उड़ता है। और साथ ही साथ गाइस यार ये चीज मैं अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों को भी ये ख्वाहिश कभी ना कभी रही होगी कि आप भी हेलीकॉप्टर को पास से देखें, ये देखें कि भाई ये अंदर से कैसा होता है और किस तरीके से उड़ता है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करने वाला है। जी हाँ गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है एक रियल हेलीकॉप्टर। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे भी सही, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये हेलीकॉप्टर अंदर से कैसा दिखाई देता है और साथ ही साथ ये कितना बड़ा होता है। तो गाइस यार आपसे बस एक ही चीज कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1 मिलियन लाइक्स, इतना तो बनता है यार, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि आप कितना जल्दी इस टारगेट को पूरा करते हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब तो वीडियो के अंदर हेलीकॉप्टर भी ले आए, तो जल्द से जल्द 20 मिलियन करते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और हम फटाफट से इसे उड़ाने की तैयारी करते हैं। एडिटर साहब रोल द इंट्रो। चलो अब हेलीकॉप्टर का टूर शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ से, ये है पीछे का रोटर ब्लेड जो कि हेलीकॉप्टर को इसे चक्री खाने से बचाता है, ये इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ पीछे की तरफ एक वर्टिकल फिन भी लगी हुई है जिससे भी हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा स्टेबल उड़ता है। साथ ही साथ यहाँ से आते हैं, यहाँ से देखते जाओ, ये इसकी टेल है, यहाँ पे कुछ लाइट से ताकि रात के समय उड़ाए तो पता रहे कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, ये पीछे का एग्जॉस्ट है, साइलेंसर, जिसमें से धुआं निकलता है, ठीक है, देख लो ये रहा। और फिर यहां से आगे आते हैं अपन, तो इधर आ जाओ, देखो ये रहे इसके पैर जिसके ऊपर ये लैंड करते हैं। इसके अंदर टायर वायर नहीं होते हैं। पहले मैं सोचता था यार कि इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स या फिर ऐसा कोई सीन रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीधे से ही बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे इसका जो पैड होता है, हेलीपैड, उस पर लैंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे आते हैं अपन इधर, तो मैं आपको इसका मॉडल बता देता हूँ। ये है रॉबिनसन का R66। वैसे हेलीकॉप्टर अलग अलग कंपनियों के आते हैं, अलग अलग डिजाइन के आते हैं, लेकिन उनके जो काम करने का प्रिंसिपल होता है वो लगभग सेम होता है। तो ये है रॉबिनसन का R66, और इसका जो वेट है गाइज आप जान के हैरान रह जाओगे, इसका जो वेट है वो है टोटल 620 kg। जी हाँ गाइस, सिर्फ 620 किलो, भाई ये तो 800 से भी ज़्यादा हल्का है, तभी तो हवा के अंदर उड़ पाता है। और बाकी अगर इसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी होती है करीब करीब 5 बंदों की पायलट समेत, तो उतना सब मिलाने के बाद ये जो टोटल वेट इसका हो जाता है जिसे उठा के ये उड़ सकता है वो होता है 1225 kg। फिर इधर से आते हैं, तो इधर से आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, तो यहाँ पर है इसका इंजन, और इसे बनाती है रॉल्स रॉयस कंपनी, और ये एक तरीके का टर्बाइन इंजन है जो कि बनाने में काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाते हैं अपन, तो इसके यहाँ पर 4 गेट है, देखो यहाँ से देखते जाओ, पूरा कांच का है यहाँ से, ये इसलिए ताकि हाँ अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, जो पायलट है, उसे काफ़ी अच्छा व्यू मिल सके। और जो फिन है, जो बड़ा वाला पंखा है, देखो यहाँ से उसकी लंबाई है, देखो यहाँ से जाते 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 ठेठ वो जो पीछे की टेल है वहाँ तक है। और साथ साथ पहले मैं सोचता था कि हर हेलीकॉप्टर के अंदर 4 पंखे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है, तो 2 फिन्स की मदद से भी हेलीकॉप्टर को आसानी से उड़ाया जा सकता है। और ये देख लो एकदम मस्त वाला। और यहाँ पे देखो ये रही इसकी हेडलाइट्स, ठीक है, यहाँ से जो अपने को अंधेरे में देखना हो, जैसे लैंडिंग कर रहा हो हेलीकॉप्टर तब उसके लिए, और साथ ही साथ जैसे कि जो पुलिस चेजेज होती है BUSA के अंदर और बाहर की तरफ, तो उसके अंदर ये जो हेडलाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो आ जाओ
और इसके जो गेट्स हैं ना गाइस वो भी काफी कमाल के हैं। जिस तरीके से कार के चारों गेट खुलते हैं ना उसी तरीके से रॉबिन्सन आर सिक्स सिक्स के गेट खुलते हैं। जैसे कि देखो एक गेट ये रहा, दूसरा वाला गेट ये रहा, इसे बंद कर देते हैं और इसे खोलते हैं। बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे कार के अंदर होता है, कार के अंदर ये चिटकनी अपन ऊपर करते हैं तब गेट खुलता है उसी तरीके से। और ये देखो सेम इसी तरीके से दो गेट उधर की साइड भी है देखो, और उधर की साइड में मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। आ जाओ आज पूरा देख लो हेलीकॉप्टर, ठीक है, टेंशन ना लो यार। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ रही है कि कोई भी जो इंसान है वो हेलीकॉप्टर के अंदर उड़ सकता है, बैठ के उसकी सवारी कर सकता है। तो देखो ये रहा फ्रंट गेट, और अंदर से देखो, अंदर से आप देख लो अभी तो इतना देख लो, और बाकी जब अपन इसे उड़ाएंगे तब मैं आपको अच्छे से और अंदर का व्यू दे दूंगा। इसे बंद कर देते हैं और अंदर से देखो आगे एक पायलट होता है, इसे दो पायलट भी आसानी से उड़ा सकते हैं। बिल्कुल साइकिल की स्टेयरिंग होती है ना ठीक वैसे ही, एक हैंडल निकाल दो तो एक पायलट उड़ाएगा, दो हैंडल लगे हुए हैं तो दो पायलट आसानी से इसे उड़ा सकते हैं। तो पीछे का गेट खोलते हैं और पीछे इसके अंदर 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, इससे जो बड़ा हेलीकॉप्टर आता है उसके अंदर आई थिंक 7 या 8 बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये रहा पीछे से, और जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो काफी ज्यादा नॉइस आती है, इसीलिए आपको हेडफोन पहनने होते हैं ताकि इन हेडफोन्स की मदद से ही आप बात कर सके। ऊपर की तरफ ऐसी वेंट्स हैं जिसके अंदर से जो अंदर का केबिन का टेम्परेचर है वो सही बना रहता है। तो बहुत सारी बातें हो गई, आपने भी सारी चीजें देख ली, अब फटाफट से पायलट साहब को बुलाते हैं और इस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और फिर देखते हैं कि कितना मजा आता है। चलो आ जाओ फिर, आ जा। हम 4 जने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो पीछे 3 बैठेंगे, आगे 1 बैठेगा, और हमारे पायलट साहब हैं जो कि बैठ चुके हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। नमस्ते सर, बाय। तो गाइस इसके अंदर भी सीट बेल्ट्स हैं, थोड़े अलग टाइप के हैं लेकिन है, ठीक है। सीट बेल्ट लगा लो ये लोंडो। देखो मैं ये बता रहा था ना साइकिल की तरह हैंडल होता है, दो पायलट उड़ा सकते हैं, अभी सर अकेले उड़ाएंगे, ठीक है। इसे बंद कर लेते हैं और उसके ये हो गया बंद, और ये हम उड़ने के लिए तैयार। क्या लोंडो डर लग रहा है तुम्हें? आवाज़ इंजन की आवाज़ कर रहा हो? हाँ, और रेडी हो रहा है ना इसलिए। ये देखो एसी वेंट्स और ऊपर रोटर घूम रहा है, देखो सनरूफ भी है। हाँ सनरूफ है ना। फर्स्ट टाइम है गाइस, थोड़ा डर लग रहा है तेरे को? आवाज डर लग रहा है। घोड़े की तरह मौसम बन रहा है गाइस, मौसम बन रहा है। ये पहनने की जरूरत थोड़ी है सर, पहन लीजिए। पहन ले, मर्जी है। अच्छा ये पहन लेते भाई, हेडफोन पहनने क्या? हाँ पहन ले। अच्छा पहन ले, प्रोफेशनल लगेंगे। ऐसा है क्या? हाँ भाई।